सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। दूसरी तीसरी वीडियो आ रही है अपनी डबुवाली से श्री जीवन डेयरी के नाम से दर्शन भाई काम करते हैं। गाय के मैं कहूँगा हरियाणा के टॉप मोस्ट ब्रीडर हम इन्हें कह सकते हैं, जो कि राठी साहिवाल और अपनी हरियाणा के ऊपर काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी भाई ने काम शुरू किया है मुर्रा के ऊपर भी, भैंसों के ऊपर भी। और जो इनके ये भैंस खड़ी हैं सामने वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, सारी बातें पूछेंगे भाई साहब से। एक बार मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, डबुवाली से हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। डबुवाली जो कि बिल्कुल हमारे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है, सिरसा ज़िले के की तहसील है डबुवाली, और इससे आगे डबुवाली से बिल्कुल आगे पंजाब शुरू हो जाता है। तो भाई साहब का गाय का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। भैंसों का काम क्यों शुरू किया है सारी बातें दर्शन भाई से पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार। राम राम जी। भाई साहब सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसा काम काज चल रहा है, कई दिन में आपसे मिलना हुआ। दो महीने में कोरोना में तो थोड़ी तकलीफ रही, बहुत ज़्यादा रही, मगर पिछले तीन महीने से बहुत अच्छा काम चल रहा है, जो पहले था उससे भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण लोग देसी गायें को ज़्यादा मान रहे हैं। ठीक है। और जो बीकानेर का एरिया है लोग गांवों तक जा पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा। व्यापारियों के पास रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो लोग डायरेक्टली किसानों के घर की तरफ मूव करने लगे हैं, इस करके थोड़ा गायों का रेट भी बढ़ा है 5 से 7 हज़ार रुपये कोरोना के कारण खासकर। ठीक है ठीक है। अच्छा तो भाई साहब गाय का काम तो आप कर ही रहे थे, जैसे कि पीछे भी हमने वीडियो बनाई ना, आपके पास कोई कटड़ी भी नहीं खड़ी थी फार्म पे, आज फिर भैंसों की तरफ कैसे मूव हुआ? जो कस्टमर गायें लेते हैं मेरे मोस्टली तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाते हैं। हाँ हाँ। और जो भैंसे हैं मोस्टली तमिलनाडु से मेरे पास डिमांड है, क्योंकि वो लोग सब डेयरी का दूध का काम करते हैं। हाँ हाँ। वहाँ का भैंस का दूध 90 रुपये बिकता है। हाँ हाँ। गाय का दूध 120 रुपये लोग देते हैं। हाँ हाँ। तो वो लोगों की इच्छा है कि भैंस भी वो खरीद के साथ में लोगों को दूध दे, क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा होती है भैंस का दूध पिए, कुछ की इच्छा होती है गाय का दूध पिए, तो वो उन लोगों की इच्छा अनुसार थोड़ा मेरे कस्टमर पुराने जितने भी हैं उनके अनुरूप थोड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। उनकी डिमांड है तो आप भैंस भी उनको तो दे रहा हूं मैं। देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पिताजी पहले भैंसों का धंधा करते थे। हाँ हाँ। पारी थे और मैं गायों की तरफ शिफ्ट हुआ पिछले 4 साल से। हाँ हाँ। अगर अभी लोगों की डिमांड है सेम कस्टमरों की, तो उनको इच्छा तो नहीं निर्मित कर सकते। बिल्कुल। तो भाई साहब एक बात पूछना चाहूंगा, जो आपने बताई कि गाय और भैंस का दूध वहाँ पे इतना रेट ज्यादा कैसे, अपने हरियाणा पंजाब में क्यों नहीं है? इधर क्या है, दूध की सप्लाई बहुत ज्यादा है। अभी मैं डब्बाड़े में बैठा हूँ और दिल्ली अपने से 300 किलोमीटर दूर है। हाँ। दिल्ली में 100-120 लीटर दूध बिक जाता है। हाँ। तो लोग बेच रहे हैं। हाँ। डब्बा तो नॉर्मली बेच रहा है, मगर हाँ। डब्बा स्थिति 25-30 रुपए लोग लेते हैं। हाँ। 40 भी तू तो बंद कर देते हैं लोग। हाँ। हाँ। तो वहाँ पे क्या दूध की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि मार्केट का रेशियो है, अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल है तो ठीक रहेगा, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा तो रेट ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में गाय के ऊपर लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो वो देसी गाय को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी, तमिलनाडु की बात कर रहा था वैसे मैं, तमिलनाडु में भी रेट ज्यादा है, क्योंकि वहाँ दूध की डिमांड कम है, जो लोकल नस्लें हैं वहाँ की। हाँ। वो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है। ठीक है ठीक है। किसान अपने घर पे लग जाता है। हाँ। से लोग उसे वंचित रह जाते हैं। ठीक है ठीक है। तो उनकी पूर्ति के लिए यहाँ से गाय जो जाती है उनका दूध का रेट अच्छा मिलता है। ठीक है ठीक है। रेट भी वो लोग अच्छा दे देते हैं। ठीक है जी। तो भाई जी आज की वीडियो में भैंस से शुरू करते हैं बात। एक नंबर पे जो जोटी बंदी हुई है इसके बारे में बताइए आप हमें। ये जितनी भी भैंसें हैं सभी तिरपुर जा रही है, साथ में मेरी गायें भी जाती है। हाँ हाँ। तो भैंसों का सेपरेट दूसरा लोड है एक्चुअली मेरा। हाँ हाँ। सेम पार्टी के लिए। हाँ हाँ। तो ये भी दूसरी बार ब्याई है, कुछ क्षेत्र से आई है। हाँ हाँ हाँ। और इसने परसों ही बच्चा दिया है, कटड़ा दिया है। हाँ हाँ। त्रिपुर जाएंगी। त्रिपुर तमिलनाडु। कहाँ, ये कोई जिला है त्रिपुर? त्रिपुर सेलम के आगे है। ठीक है। से करीब 600 किलोमीटर आगे है त्रिपुर। ठीक है ठीक है। तो दूसरी बार की है, कुरुक्षेत्र से आई है। क्या बता आपने, कल बच्चा दिया है? परसों दिया बच्चा। परसों बच्चा दिया इसने। क्या दूध देने वाली रहेगी? भाई साहब इसने 19 लीटर बताया था। हाँ हाँ। जहाँ तक मेरा अंदाजा है 15-16 लीटर दूध आराम से निकाल देगी जोटी। 15-16 दे देगी। ठीक है। तो इसका क्या कीमत में दिया भाई साहब उनको? 1,40,000 में है जी। 1,40,000 में दी है। बढ़िया मोटी ताजी जोटी है, एक नंबर की, और नीचे से शायद दूध निकाला हुआ है। ठीक है, निकाल लेते हैं जल्दी। अच्छा, अभी अभी सभी भैंसों का दूध निकल चुका है? एक का अभी आप आ गए थे, इसका बचा हुआ है। अच्छा, एक का रोक दिया, बाकी सभी का निकाल दिया। कुछ क्या बन गया इसमें? ठीक है ठीक है जी। ये दो नंबर वाली जोटी भी बहुत शानदार है, ये वाली भाई इसकी कटड़ी है। हाँ हाँ। वहीं से आई है।
हाँ हाँ तीन भैंसे घर से आई है। ठीक है ठीक है ठीक है। वो भाई ने भैंसे बेच के गायों का काम शुरू किया है। अच्छा तो भैंस आपने ले ली, गाय दे दी? ले ली उससे तीन, और गाय उसको देंगे भविष्य में। अच्छा अच्छा जी जी ठीक है ठीक है। ये बहुत ही शानदार छोटी है। हाँ हाँ ये शायद हर 19 लीटर दूध निकाल देगी आराम से। हाँ हाँ साथ में कटड़ी भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। ये किस कीमत की दी है जी? ये 120 की जी। 120 की और ये 140 की। तो इसकी सुंदरता के पैसे लगे हैं जी। अच्छा अच्छा ठीक है। शरीर बॉडी वेट, हालांकि दूध बहुत ज्यादा देगी, मगर ब्यूटी के लिए शौक के लिए भी कोई चीज होती है। हाँ 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 रेट लगाए। ठीक है ठीक है। इसको एक बार खोल के चलाना भाई साहब। दूसरे ब्यांत की जोटी है शायद ना? दूसरे ब्यांत की। बढ़िया, साथ में कटड़ी बहुत सुंदर है। और इधर ले लो। और भाई को मेरे ख्याल से देखिए, ये जोटी इसकी तुलना में मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरी नज़र में। और भाई साहब गाय का ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, भैंस का कम रखते हैं। कीमत भी इसी की ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप इनको दोनों को मार्केट में बेचना शुरू करेंगे तो इस जोटी की कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसका जो शरीर ऐसा बता रहा है कि ये दूध ज़्यादा देगी। अडर भी इसका, थनों की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। 14 लीटर दूध है। कितने दिन की ब्याई हुई है? तीन दिन की ब्याई हुई मैं 14 लीटर। सुबह 6 लीटर का आराम से निकाला था मैंने, पिछले दो थनों का केवल। ठीक है ठीक है। दो थनों का कटड़ी को पिलाए हैं। 6 और 2 8 किलो दूध, 16 किलो दूध मिलेगा भाई साहब अभी इसमें। जैसे 6 आगे वालों में, पीछे वालों में होगा तो 2 लीटर तो कम से कम आगे वालों में मिलेगा। हाँ, क्योंकि इसका जो अडर है ना आगे वाले थनों पे भी अच्छा है। ये इससे ज़्यादा कीमत की है मेरी नज़र में। और जैसा भी है बढ़िया है, आप नया नया शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। एक्चुअली पुराना काम है, बाबू करता था। हाँ हाँ। मगर अभी मैं अभी रुझान किया है। आपने भैंसों की तरफ अभी ध्यान किया है धीरे धीरे? भैंसों का दूध पिया है। हाँ हाँ। गाय का तो मैं पिछले 3 साल से पीना शुरू किया है। ठीक है ठीक है। इधर ये कटड़ी भी जा रही है साथ? हाँ, नहीं ये कटड़ी नहीं जाएगी, दूसरी कटड़ी जाएगी। अच्छा अच्छा, ये इसी की बेटी है ये? अच्छा अच्छा, तभी से पास। तो ये भाई साहब कितने महीने की प्रेग्नेंट है? 1 महीना बाकी है इसका। अच्छा, 1 से 1.5 महीना लेगी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी नया काम शुरू किया उन्होंने भैंसों का। हाँ हाँ। तो जब तक वो थोड़ा दूध कम करेगी तब तक आगे वाले 3 भैंसे और बच्चा दे देगी। ठीक है ठीक है, दूध का रोटेशन चलता रहेगा। तो ये भाई साहब 1.5 महीना बाकी, ये कितने की दी आपने अपने ग्राहक को? 75,000 की। कितने दूध वाली भैंस है ये? ये भी बताया तो 16 लीटर था। हाँ हाँ। एक ही घर से 3 आई थी। अच्छा, 14-15 तो देगी आराम से, दे देगी। ठीक है। इससे आगे फिर ये भारी भैंस ये 1 महीना लेगी जी? 1 महीना अभी लेगी। हाँ जी, इसका ठीक। ये तो 20+ की बता रहा था अगला। हाँ, ये कहाँ से खरीदी आपने? ये एलनाबाद से जी। अच्छा, एलनाबाद से। तो ये कितने की दी है भाई साहब? ये 95 की। 95,000 रुपये की। ठीक है, शायद चौथी बार या तीसरी बार देगी? तीसरी चौथी बार की है। ठीक है। इससे आगे एक भैंस और जो कि बैठ चुकी है, ये वाली 3 महीना लेगी? 3 महीने लेगी। ठीक है, तो ये कितने की बेची है जी? ये 65,000 की। 65,000 की। ये कितना दूध दे देगी? 11-12 लीटर देती है। 11-12 लीटर। 65,000 रुपये की। देखिए ये कट्टी है। हाँ हाँ, ये भी उन्हीं वहीं जा रही है, सभी एक जगह जाएगी जी। तो ये कितने की दी है कटड़ी? ये 40 की जी। 40,000 की। प्रेग्नेंट है? 1 महीने की है, कंफर्म नहीं है अभी। कंफर्म नहीं है। वैसे भी बहुत सारे भाई 1-1.5 महीने की कटड़ी जो कंफर्म नहीं होती उनको बोल देते हैं, चाहे वो खाली भी हो बेचने के लिए। नहीं, पता खाली करके देते हैं जी। हाँ हाँ। 3 महीने से पहले मैं गाय भैंस को कंफर्म नहीं करता, बोले तो मेरी गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही बात, खाली हो जाते तो ओड़ में आते हैं। हाँ बिल्कुल, मिस गाइड होते हैं, फिर कस्टमर टूट जाता है। लेकिन बहुत सारे अपने हरियाणा के ऐसे भी सेल करने वाले हैं भाई साहब जो कि कटड़ियाँ 1 महीने की या 1.5 महीने की प्रेग्नेंट बता के बेच रहे हैं। बाकी मैं कहूँगा 3 महीने से पहले 2 महीने की कंफर्म हो जाती है, कई डॉक्टर कर देते हैं, कई डॉक्टर 40 दिन की भी कर देते हैं। तो जो भाई लेने वाले हैं कटड़ियाँ वो अपनी तसल्ली करके लेना चाहिए। क्यों जी? और ठीक है, उस 1 नंबर भैंस का कट्टा है, 1 नंबर वाले का, युवराज का बेटा है। हाँ हाँ हाँ। मात्र अभी 15 महीने का हुआ है, इसके टेस्टिकल। हाँ हाँ। का साइज वगैरह देखते हैं, बहुत बढ़िया है, सिंग वगैरह काफी अच्छे जाएंगे। हाँ। तो ये कितने का दिया है जी उनको? ये 45 का। 45,000 का। कितनी उम्र होगी? 16 महीने का। ठीक है, हाइट वगैरह अच्छे निकालेगा जी। तो अगर भाई जी आपके पास भैंसों की डिमांड आती है, जैसे कि कोई या आपके ग्राहक है या कोई नए भी हमारी वीडियो देख के लेना पसंद करते हैं भैंस, तो आप प्रोवाइड करवा देंगे कि नहीं? प्रोवाइड करा देता हूं मैं फार्म पे नहीं रखता है एक्चुअली, बाहर से दिला सकता हूं। ठीक है ठीक है। तो कोई वैसे अगर जैसे कोई लेने वाला आ गया, कोई महाराष्ट्र की पार्टी आ गई आपके पास, तो बाहर से ही दिलवा के ले दिलवाते हैं जी? क्योंकि मोस्टली व्यापारी होते हैं, सब बाहर से दिलवाते हैं, घर पे किसी की पैदा नहीं होती, गाँव गाँव जाके सब चुननी पड़ती है अच्छे अच्छे पैसे। और जो भाई ऑर्डर करेगा उनको भी प्रोवाइड करवा देंगे? हाँ जी, उनको प्रोवाइड करा देंगे मैं मोस्टली। मेरा कोई भी कस्टमर, जो मेरा त्रिपुरा की पार्टी है, पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, कभी भी आज तक उसने मेरे शक्ल नहीं देखी डायरेक्टली फेस टू फेस। अच्छा, और खाली व्हाट्सएप और
वीडियो के माध्यम से हम लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है ठीक है। तमिलनाडु में पूरे मेरे कस्टमर ऐसे करते हैं, 5-6 ट्रेडर है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, सब ऐसे करते हैं। अच्छा, अगर कोई आना चाहता तो आ सकता है, उनका मोस्ट वेलकम है। हाँ हाँ जी। अभी कोरोना में तो आ भी नहीं रहे, फोन पे ही ऑर्डर हो रहे हैं लगभग। तो भाई साहब ये भी बताइए, जैसे ये गाड़ी वहाँ त्रिपुर कितने दिन में चली जाएगी? 8 दिन लगेंगे जी। 8 दिन लगेंगे, बीच में 7 सटे होंगे? हाँ 7 सटे होंगे जी। अच्छा, सुबह 5 बजे उतार देते हैं, शाम को 6 बजे लोड कर देते हैं। गाय भैंस हो, हमारा सेम प्रोसेस रहता है। सेम। तो गाय में तो ज्यादा दिक्कत आती होगी, गाड़ियों के कागज वगैरह तैयार करवाना? चेकिंग होती है, हर जगह होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके देते हैं, पूरे परमिट वगैरह डॉक्यूमेंट? भैंसों में तो इसकी जरूरत ही नहीं है, बिल्टी लगा दो बस काम चल जाता है। बना देंगे। हाँ 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 हाँ। तो भाई साहब कॉन्टेक्ट नंबर क्या देना चाहेंगे? 8168146977 81-686-46-970 दूसरा 9728044316 9728044316 जितना हो सके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्योंकि कभी फोन का रिप्लाई नहीं भी दे सकता। अगर 8 बजे बात करेंगे या सुबह 10 बजे पहले करेंगे तो फोन का रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट था आप सभी से। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं मैं आपको, इस फोन वाला मैं भी कई बार समाधान ढूंढता हूं। अगर सरकार 1 मिनट के 5 रुपए कॉलिंग के लगा देना तो बिना काम की कॉल्स आनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। नहीं, बहुत से लोग डिमांड करते हैं मगर बायर कम, एक कुछ परसेंट होते हैं और फोन करने वाले ज्यादा होते हैं। तो वो कभी इंक्वायरी करने वाले कभी कभी कन्वर्ट होता ही है उसमें। उसकी इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार ही वो फोन करता है कभी कभी। थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे ना चार्ज, कॉल चार्ज के, तो कम आएंगी कॉल्स, ये भी कन्फर्म है। तो देखिए आज हमने दर्शन भाई के यहाँ से वीडियो लेके आए हम भैंसों की। तो भाई साहब फीड में वगैरह में, फीड में क्या बेचते हैं साथ में गाड़ी के? फीड तो हमारा मिक्सर बनवाता हूँ मैं। वही दोगे? हाँ वही। साथ में लेबर वगैरह मिल रही है आजकल गाड़ी के साथ? मिल जाती है, एक गाड़ी साथ एक जाती है। एक जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आज की वीडियो हम दर्शन भाई के यहाँ से लेके आए। और कुछ कहना चाहते हो भाई साहब अपने जो भी भाई वीडियो देखने वाले हैं? बस जी मत ये कहता हूँ, हम तो गाय पे काम भी करते हैं, कुछ लोग मांगते हैं तो सप्लाई जरूर करते हैं, किसी को नाराज नहीं करते। एचएफ जर्सी में नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ हाँ, विदेशी नस्ल की गाय? नस्ल की मैं नहीं करता, केवल भारतीय नस्ल पे ही काम, और भारतीय लोगों के लिए। बाहर तो जाएंगे भी नहीं आप, बेच के देख लो। पाकिस्तान से काफ़ी डिमांड सीमन की, कटड़ियों की, मुर्रा की रहती है, लेकिन कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान में भेजने का। तो ये देखिए आज की भैंसे दर्शन भाई के यहाँ से हमने दिखाई, जो कि पहले मेरे ख्याल से पहले भी भैंस दी है कोई भाई? पहली बार है? जाती है कोई, हाँ। एक दो जाती है लोड में। ठीक है ठीक है, सेकेंड लोड है। हाँ ये पूरा लोड यही किया है। तो ये भैंसे हमने दर्शन भाई के यहाँ से, श्री जीवन डेयरी के नाम से भाई साहब काम करते हैं डबवाड़ी में, बहुत ही ईमानदारी का काम है भाई साहब का। जो भी भाई गाय लेने के इच्छुक हैं या भैंस लेने के इच्छुक हैं, गाय में साहिवाल, हरियाणा और राठी, तो आप संपर्क कर सकते हैं भाई से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जितने भी भाई हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे, सभी का, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।